थोड़ा और क्या करो दुबई चलो वो एक उसी अगर रखो ना बंदे सेंटर अच्छा जी बढ़ रहे हो सर लोड ये वीडियो है कि बढ़ दो यार दहशतगर्दी की फंडिंग को लेकर के एक बहुत बड़ा नेटवर्क शुरू से चल रहा था। हम लोग हर वो मुमकिन दम किया जाए, इनके कनेक्ट को ख़त्म किया जाए। अभी आपको याद होगा कल परसों 56 जगहों पे NIA और पुलिस और CRP ने मिल करके लोगों के ज़रा रेड करी है। जो लोग दहशतगर्दी को ज़िंदा रखने में पैसे के जरिए या बाकी किसी सपोर्ट के जरिए से कार्रवाई करते हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पैसा जहां भी पकड़ा गया, पैसा जम्मू में पकड़ा गया, कोई 1.5 करोड़ पिछले साल हम लोगों ने हंदवाड़ा में पकड़ा था जो नारकोटिक्स को बेच करके दहशतगर्दी को जो वहां पर रिलायबल सोर्सेज से हमें खबर आई थी कि कांगा गांव में एक जगह हवाला रैकेट चल रहा है, तो हमने फौरन मजिस्ट्रेट को साथ लिया और
आर्मी की कंसर्न यूनिट को और सर्च की, तो सर्च के दौरान जो है वो 25 लाख से ऊपर पैसा रिकवर हुआ है उसके, क्योंकि बिल्कुल घर LOC पे है उस, वो LOC के पार से लाया है और वो उसको रूल आउट नहीं कर सकते हम। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है कि ये किस काम के लिए है। मोस्टली यही लग रहा है रिलायबल सोर्सेज से कि ये टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए इस पैसे को लिया गया था। सर अरेस्ट हुए हैं, बाकी और भी अरेस्ट होने हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जो है वो पार जो इनका रिलेशन है उसको रूल आउट हम नहीं कर सकते क्योंकि बिल्कुल LOC पे है ये घर, तो वो तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें फर्दर क्या डेवलपमेंट होगी। और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं बिल्कुल अलर्ट हैं, हमारी डिप्लॉयमेंट है हर जगह, तो कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट जो है वो हम नहीं होने देंगे क्योंकि नफरी जो है ऑन ग्राउंड है।